संबंध बनाते हैं लेकिन कॉन्डम इस्तेमाल करने का मन ही नहीं करता। पुरुष साथी मना करते कि नहीं मुझे कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करना, मुझे मेरा मूड खराब हो जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या करे, गर्भावस्था भी नहीं चाहिए, कॉन्डम भी इस्तेमाल नहीं करना, संबंध भी बनाना है। सॉल्यूशन है उसका पिल्स। तो पिल्स मतलब कि दवाई। तो दवाइयों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनके बारे में वीडियो में बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पिल्स होती कितने तरह की है, क्या उसका चक्कर है, क्या उसके अंदर होता है। तो ये पिल्स जो होती हैं ये दो तरह की होती है। एक पिल क्या होती है, रेगुलर पिल, और दूसरी होती है एमरजेंसी पिल। अब रेगुलर और एमरजेंसी में क्या फ़र्क है, क्या होती है? एमरजेंसी पिल का मतलब एमरजेंसी के टाइम पर, राइट। एमरजेंसी का मतलब है कि जब हमने संबंध बना लिया, जो जिसमें हमने कोई ऐसी चीज़ सुरक्षा यूज़ नहीं की, कॉन्डम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, और अब हमें गर्भावस्था भी नहीं चाहिए, तो हम एमरजेंसी वाली पिल यूज़ कर लेंगे, जो कि हमें क्या लेनी है, संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी है। ओके, उसके बाद दूसरी क्या बात की मैंने, रेगुलर पिल। रेगुलर मतलब रेगुलर, जो चीज़ रेगुलर चल रही है। अब रेगुलर पिल जो होती है वो कैसे ली जाती है, वो पूरे महीने भर ली जाती है। अब महीने भर ली जाती है वो क्या तरीका है उसका, वो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको अच्छे से। ओके, तो एक हो गई रेगुलर वाली, एक हो गई एमरजेंसी वाली। तो इन दोनों के अंदर होता क्या है, इन दोनों के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। अब हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एक होता है ईस्ट्रोजन। यही दोनों हॉर्मोन है, इनकी अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है, उसका अमाउंट अलग अलग तरीके से होता है, तो वो अलग अलग तरीके से एक्शन करते हैं। ओके, तो एमरजेंसी वाली के बारे में बहुत सारी वीडियोज में बात कर चुकी हूँ पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुकी हूँ। आज बात करूंगी रेगुलर वाले के बारे में, जो महीने भर ली जाती है। तो इससे जुड़ी सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, जैसे कि लोगों को क्वेश्चन क्या है कि ये सेफ होती है या नहीं, ये कैसे काम करती है, इसको कैसे लें, इसके साइड इफेक्ट्स हैं क्या, है साइड इफेक्ट, हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, कौन सी ऐसी कंडीशन है जब नहीं ले सकते, और मतलब कैसे लेनी है, ये सब कुछ। तो सब चीजों के बारे में बात करूंगी, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रेगुलर पिल हमारी होती है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, वो करती क्या है हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया हार्मोन होते हैं। ओके, तो रेगुलर पिल जब आप लेते हो तो वो क्या काम करेगी, वो काम करेगी जो अंडा बनता है महिला के शरीर के अंदर, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि जो साइकिल होती है पूरे महीने जो चलती है, उसके बीच का जो टाइम होता है, मिड टाइम पे ये चीजें होती हैं, क्या होता है, अंडा निकलता है। तो जो ये प्रक्रिया है ना, अंडा बनने की, अंडा निकलने की, ये उसी पे ही रोक लगा देती है। अब अंडा ही नहीं होगा तो अंडा तो चाहिए बच्चा बनने के लिए, तो बच्चा बनेगा कैसे, राइट। तो वो एक चीज कर सकती है ये, और क्या ये करती है, ये करती है जो शुक्राणु होते हैं उसका रास्ता रोक देती है, मतलब कि म्यूकस जो होती है उसको वहां पर जो महिला का योनि के ऊपर का पार्ट होता है उस पर इतनी थिक कर देती है कि जो शुक्राणु है वो नीचे नीचे रह जाते हैं, वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। तो जब वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वो अंडे से मिल नहीं पाएंगे, जब वो अंडे से मिल नहीं पाएंगे तो बच्चा बन ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये एक काम, एक तरीके से काम करती है। और क्या करती है, जो हमारा गर्भाशय होता है उसकी लाइनिंग होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, और जो उसकी सबसे भीतर वाली लाइन होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो शेड होती है। कब, जब क्या होता है, मासिक धर्म के अंदर जो ब्लड निकलता है उसके साथ साथ वो लाइनिंग भी निकलती है। तो वो एक लाइनिंग क्या होती है, हर महीने अपने आप को तैयार करती है किसके लिए, गर्भावस्था के लिए, कि हाँ भाई मेरे साथ आके बच्चा जुड़ेगा, क्योंकि वो मदद करती है बच्चे को जोड़ने में, उसको खाना पीना प्रोवाइड करने में थोड़े दिन तक। ओके, तो जो वो एंडोमेट्रियम है ये उसको क्या करती है, पतला कर देती है, ये उसको उस लायक ही नहीं छोड़ती कि उससे बच्चा जुड़ सके, मतलब उसकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी। तो इस तरीके से ये काम करती है, जो ये दवाई होती है, जो रेगुलर वाली हमारी पिल है वो। ओके, तो अब उसको लेना कैसे, सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि उसको लेना कैसे है। अब ये बात होगी कि ये महीने भर आपको लेनी है, तो लेनी शुरू कब करनी है, ये आपको लेनी शुरू करनी है जिस दिन आपका जो मासिक धर्म होता है, जो ब्लीडिंग होती है, जो पीरियड होता है, उसका पहला दिन है, जिस दिन आपको दिखा कि हाँ आज मेरे पीरियड आए, पहला दिन है, उस दिन ही आपको ये लेनी शुरू कर देनी है। इसके अंदर होता क्या है, 21 दिन तक ऑन और 7 दिन तक ऑफ, ये आपको याद रखनी है। जो आपको दवाई मिलेगी ना वो अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग उसकी पैकिंग होती है। कुछ दवाइयाँ होती है जिसके अंदर 21 ही गोलियाँ होती हैं, तो आपको क्या करनी है, पीरियड के पहले दिन लेनी शुरू करनी है, रोज़ डेली आपको लेनी है। कोशिश करना है कि उसी टाइम पे ही रोज़ ले, और लेनी किस चीज़ के साथ है, कोई भी लिक्विड या पानी किसी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसके अंदर आपको नहीं है, ठीक है। एक ये वाली पैकिंग होगी। दूसरी पैकिंग क्या होती है, जिसके अंदर 30 गोलियां होती है। अब 30 वाली का क्या चक्कर है, क्योंकि मैंने तो अभी बोला 21 दिन ऑन और 7 दिन ऑफ, 7 दिन
आपको हार्मोन वाली दवाई नहीं लेनी, जो 30 दिन वाला पैकेट होता है उसके अंदर जो 7 गोलियां होती है ना, वो कुछ अलग तरीके की शक्ल की आपको दिखाई देंगी। वो क्या होती है? आयरन फोलिक एसिड टैबलेट होती है। ओके, तो वो आप 7 दिन ले सकती है क्योंकि उसके अंदर हार्मोन नहीं है। अब इन 7 दिन के अंदर क्या होगा, इन 7 दिन के अंदर 1-2 दिन के बाद आपको आपका पीरियड आ जाएगा, जो ब्लीडिंग है वो शुरू हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद आपको अगले महीने से 1st डे से अगला पैकेट आपको शुरू कर देना है। तो ये चीज़ थी कि लेनी कैसे है। अभी लोग पूछते हैं कि सेफ़ है या नहीं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में वीडियो के आपको ये बताऊंगी कि कौन जो है महिलाएं जो नहीं ले सकती हैं, ठीक है, उनको नहीं लेनी, बाकी सबके लिए बिल्कुल ये सेफ है। उसके बाद लोग पूछते हैं कि क्या ये अच्छे तरीके से काम करेगी भी या नहीं हमारे शरीर के अंदर। तो अगर ये सही तरीके से ली जाए तो ये 99% से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब इतनी ज़्यादा इसका सेफ्टी लेवल है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये आपके लिए। ओके, उसके बाद लोग ये पूछते हैं कि क्या अगर हमने ये पिल लेनी शुरू कर दी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो महिला है वो गर्भवती नहीं हो पाएगी, उसको दिक्कत होगी बाद में जब वो गर्भावस्था चाहेगी तो हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ कुछ? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पिल है, जब तक आप इस दवाई को लेते रहोगे तब तक गर्भावस्था नहीं होगी, तब तक ये वो चीज़ें करेगी जो ये काम करती है। उसके बाद जैसे ही आपने ये पिल लेनी बंद की, अगले महीने आप गर्भवती हो सकती हैं, वापस से आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, उसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये 21 दिन तक आपको लेनी है लगातार। अब मानो कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इंसान भूल जाता है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, राइट? तो अगर आप एक दिन ये भूल गई तो आप क्या करेंगी, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको याद आए, मानो कि आप रोज सुबह को ये टैबलेट लेती थी, आप भूल गई सुबह लेनी, तो आपको शाम को याद आ गया, रात को याद आ गया, तो आप तभी की तभी ये ले लो जब भी आपको याद आ गया। मानो कि आपको उस पूरे दिन याद नहीं आया, अगले दिन याद आया, तो अगले दिन आप 2 टैबलेट ये ले सकती हैं, एक साथ 2 टैबलेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का भूला हुआ यू कोप अप हो जाएगा, लेकिन मानो कि आप 2 दिन भूल गई, या फिर क्या हुआ कि वो टैबलेट कहीं रह गई, आप कहीं चली गई, कुछ इमरजेंसी होगी, कुछ भी हो गया, राइट, 2 दिन आपके निकल गए कैसी भी, तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है आपको। आपको क्या करनी है, पहले तो याद आते या फिर मतलब कि जो भी है पिल मिलते ही आपको वो ले लेनी है, वो आपको अपना पूरी कर लेनी है टैबलेट उसी दिन। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 हफ्ते तक आपको डबल प्रोटेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको दवाई भी लेनी है रोज़ और साथ साथ आपको कोंडम का भी इस्तेमाल करना है प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि क्या होगा कि जब मानो आपने उसकी जो रोज़ का रेगुलरिटी चल रही थी, वो रेगुलर चीज़ आपने बीच में तोड़ दी, ब्रेक कर दी, तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो सेफ्टी लेवल है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो 1 हफ्ते तक आपको डबल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छे मतलब प्रॉपरली सेफ रहे, ऐसा ना हो कि आप दवाई भी ले रहे हो और आपकी सेफ्टी भी जो है वो नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए आपको डबल चीज़ें यूज़ करनी है उसमें। उसके बाद गर्भावस्था में कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ में भी इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर बात आती है इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की, कि मतलब कि अगर मैं ये रोज़ ले रही हूँ, मैं रोज़ कुछ हार्मोन ले रही हूँ, मतलब कुछ छेड़छाड़ हो रही है मेरे शरीर के साथ, ऐसा ऐसा महिलाएं सोचती हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बार बार आता है वो याद है कि वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, वेट गेन तो नहीं हो जाएगा? तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत माइनर है, मैं कहूँगी, मतलब कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है। क्या क्या होता है, नोजिया होगा, नोजिया का मतलब क्या है कि उल्टी जैसा महसूस होना या फिर उल्टी आ जाना कई बार। और हाँ, अगर आपको दवा लेने के 2 घंटे के भीतर भीतर उल्टी आ गई है तो आपको वो दवाई रिपीट करनी है, 1 गोली और लेनी है, क्योंकि वो क्या है कि उल्टी में निकल गई, ऐसा सोच सकते हैं आप। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, थोड़े चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, और जो आपके स्तन हैं उसमें थोड़ा भारी महसूस हो सकता है आपको। बस इतने से ही थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन 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 अगर आपको दवाई लेने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपकी जो पैर होते हैं, जो लेग्स हैं, उसके अंदर कहीं कहीं रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, या फिर स्वेलिंग हो गई है पैरों में, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ देखने को मिल रही है, तो आपको वो लेनी उसी वक्त बंद कर देनी और फटाफट से डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है, और उसके बाद ही वो लेनी है, वरना वो नहीं लेनी है। ओके, अगली नेक्स्ट वाली आपको दवाई नहीं लेनी है, बंद कर देनी है अगर बड़ा ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो। लेकिन अगर वो नॉर्मल वाले ही साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो वो नॉर्मल है, वो हो जाता है, और वो आप 1-2 महीने वो पिल लेते रहेंगे अगर लगातार, तो फिर वो बंद हो जाएंगे, फिर वो आपको नहीं होंगे। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कौन ये दवाई नहीं ले सकता है, अगर ऐसा है तो आपको बिल्कुल लेनी ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करनी, खरीदनी ही नहीं है, ठीक है? और वो कौन कौन है कि अगर आपको मतलब कि आप गर्भवती हैं तो आपको नहीं लेनी है,
क्योंकि ये मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो चीज़ हट जाएगी उससे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उस चीज़ के लिए नहीं बनी है वो दवाई। तो अगर आप गर्भवती है तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको ऐसा शक है कि आप गर्भवती हो सकती हैं तो भी आपको वो दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड मतलब दिल से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है ये दवाई। और कोई भी आपको कैंसर है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पहले आप स्मोकिंग करती थी कभी, मतलब हिस्ट्री है स्मोकिंग की, तो भी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पहले से ही आपका ओवरवेट या ओबीज हैं आप, मतलब कि वजन जो है वो नॉर्मल जो होता है उससे बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको ये दवाई नहीं लेनी है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये दवाई वैसे भी आपको फार्मेसिस्ट से मिल जाएगी, ज़्यादा रेट की भी नहीं है, मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं इसकी, और इजीली अवेलेबल भी है। आप जाओगे बोलोगे वो दे देंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अलग अलग कॉम्पोजिशंस होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको हमेशा दवाई डॉक्टर को दिखा करके लेनी है। आपको जो वो प्रिस्क्राइब करे वो ही लेनी है, क्योंकि वो आपके टेस्ट करेंगे, देखेंगे आपके शरीर में क्या है, आपका शरीर क्या मांग रहा है, उस हिसाब से वो आपको दवाई रिकमेंड करेंगे, तो आपको वही लेनी है। अपने आप डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ मत बनना। तो ये सब कुछ बातें थी रेगुलर पिल्स के बारे में। बहुत अच्छा मेथड है, आप यूज़ कर सकते हैं और सेफली यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करना है वो सब कुछ मैंने आपको बताया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी डाउट है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।